देखिए विराट कोहली यूं थे, यूं जब बॉल को रिलीज किया इस एंगल से, ऐसे निगाह से थ्रो लगाना स्टंप पे बहुत मुश्किल काम होता है। आप चाहते हैं आप यहां आ जाएं, सीधा आंख ऊपर लेके आए, टाइम ले, एम करें, फिर स्टंप पे मारें, वो तरीका होता। पर विराट बोला भाई नहीं, वो काम मैं नहीं करूंगा, टाइम बहुत कम था, डीप विकेट पे खड़े थे, पहले तो स्पिन लगाया दोनों हाथ चला के, देखो तकनीक होती है स्पिन की कि आप दोनों हाथ चलाते हैं, बॉल तक बहुत तेज पहुंचे, एक हाथ से पिक किया बॉल को और गिरते गिरते इस एंगल पे गिरते हुए रिलीज किया, और जिस एंगल से बॉल को रिलीज किया उस स्टंप वहां सिर्फ एक ही दिखता है, स्टंप ऐसे होता है उस एंगल से, ऐसे एक स्टंप पे एम किया, वहां थोड़ा स्टंप पे लगा, रनआउट हुआ शशांक, तो पूरी फील्डिंग की मास्टर क्लास थी, क्लास फील्डिंग करी है, 90 मिनट की बैटिंग करी, वहां थके हुए थे, फील्डिंग में जो एनर्जी लेके आते विराट कोहली काबिले तारीफ है, वो रनआउट बनता ही नहीं था क्योंकि वो दो रन थे, कोई भी फील्डर वो दो नहीं बचा पाएगा। आप डीप विकेट पे लाइन पे फेंस पे खड़े हो, भाग के आना, एक हाथ से पिकअप करना, क्विक रिलीज है वहां से, उस एंगल से स्टंप पे मारना, एक नामुमकिन सा रनआउट किया विराट कोहली ने, मेरा मानना है बहुत उम्दा रनआउट, वेल डन टू विराट कोहली, और जो उनकी एनर्जी है जो बल्लेबाजी में लेके आ रहे हैं उसमें भी भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, शाबाशी।